मांस रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉनवेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माज स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाए मार्ज रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अमृत नगर की एक 20 वर्षीय लड़की के साथ एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले ने इस लड़की के साथ घर छोड़ने के बहाने छेड़छाड़ की। एमएम वली के पास सैफ मेडिकल स्टोर के मालिक इमरान पूंछी के खिलाफ इस लड़की ने शिकायत भी दर्ज करवाई, मगर ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इसे बेल मिल गई है। दरअसल 20 वर्षीय लड़की अपने पिता की मौत के बाद मेडिकल स्टोर में केमिस्ट सामानों की सप्लाई करती है और उसी के जरिए अपने परिवार का भरण पोषण भी करती है। लड़की के अनुसार पेमेंट लेने के लिए सैफ मेडिकल के मालिक इमरान पूंछी ने बुलाया और उसे अपनी बाइक से उसे घर छोड़ने के लिए कहा, मगर लड़की ने पहले मना कर दिया। मगर दोबारा कहने पर इस 20 वर्षीय लड़की ने भरोसा किया और उसके पिता के दोस्त हैं इसलिए बाइक पर बैठ गई। एमएम वली से मित्तल की तरफ जो रास्ता है, ये नया रोड बन रहा है, उसी रास्ते पर कुछ दूर पहुंचते ही लड़की का आरोप है कि इमरान पूंछी ने उसके साथ छेड़छाड़ की, गलत तरीके से बात की। लड़की को खतरा महसूस होते ही लड़की ने बाइक से छलांग लगा दी। इस दौरान बाइक से इमरान पूंछी गिर गए। किसी तरीके से लड़की ने फ़ोन कर अपने भाई को बुलाया और वहां से मेडिकल मालिक इमरान पूंछी फरार हो गया। लड़की ने पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है, मगर मेडिकल मालिक इमरान पूंछी को जमानत मिल गई है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे मामले में जब हमने इमरान पूंछी से जानकारी लेने की कोशिश की, उन्हें व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया, कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें कॉल भी किया मगर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। बहरहाल पीड़ित लड़की ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मेरे अब्बा सेल्समैन थे मेडिकल्स के, जिनका नाम उनकी अभी डेथ हुई है 9 दिसंबर को, तो उनका जो माल था वो मैं सप्लाई कर रही थी और पैसे भी बाकी थे वो निकाल रही थी। तो 14 फरवरी के दिन मैं काम पे से डायरेक्ट मैं मेडिकल पे गई, क्योंकि मुझे अंकल ने 7 बजे बुलाया था। मतलब 14 फरवरी को आप मेडिकल पे गई थी? हाँ। कौन से मेडिकल स्टोर पे गई थी? सैफ मेडिकल। सैफ मेडिकल, हाँ। कहाँ पे है ये सैफ मेडिकल? एमएम पे है, वो कौसाया लिखा हुआ ना बड़ा सा, उसके सामने गई तो उसका साला था मोहम्मद, उसने मुझे 1000 रुपया दिया। मैं वहाँ से निकलने लगी तो वो अंकल मेरे को रास्ते में मिले, तो मेरे को बोले आते को छोड़ देता हूँ। कौन अंकल का क्या नाम? इमरान पोची। वो कौन है मेडिकल स्टोर के ओनर? ओनर है वो। जी बोलिए। तो मेरे को बोले आते को छोड़ देता हूँ करके, तो मैं बोली नहीं मैं चले जाऊंगी करके। फिर मेरे को फिर से फ़ोन करके मेरे को बोले क्या तेरे को छोड़ देता हूँ, तो मेरे अब्बा के दोस्त थे तो मरहूम दोस्त की बेटी समझ के बोल रहे, तो मैं जाकर बैठ गई। बैठी तो वो मेरे को एमएम के रास्ते से लेकर आने लगे। मेरे को लगा बाहर मेन रोड पे बहुत ट्रैफिक है, इस वजह से अंदर से लेके जा रहे, लेके जाने लगे। तो फिर मेरे को आधा रास्ता हुआ तो मेरे को बोलने लगे कि तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? मैंने मुझे सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अभी घर पर ध्यान देना है। तो बोले तेरे को मेरे में इंटरेस्ट है क्या? मेरे अंकल आप कुछ भी बोल रहे हो, आप मेरे बाप की उम्र क्यों? तो बोले नहीं मैं तो ऐसे छोटा हूँ करके ऐसा वैसा बोलने लगे। फिर मेरे को बोलने लगे लॉज चलेगी क्या? मैं बोली क्या? तो उन्होंने 3 बार इस वर्ड का इस्तेमाल किए, मेरे को बोलने लगे क्या मज़े वज़े करेगा ऐसा बोलने लगे। तो सामने ही कब्रिस्तान था जहाँ पर अब्बा को दफना है, तो मैंने बोली भी उनको कि अब्बा को सब मालूम पड़ रहा है कि तुम ऐसा ऐसा बात करो उनकी बेटी के साथ, पता है कि मैं कैसा हूँ। तो मैं बोली क्या एक काम करो रुखा दो मैं चले जाऊँगी, मेरे को नहीं आने का करके। तो मेरे को बोले डर मत करके मैं छोड़ देता हूँ करके। फिर मैं एकदम चुप हो गई, डर लग गया था मेरे को इनकी बातें सुन के। तो फिर मेरे पैर पे छुए और मेरे को बोलने लगे तो सीरियसली ले ली करके, मतलब मेरे को छुओ वो मत, मतलब मेरे को उतार दो मैं चले जाऊँगी। तो बोले नहीं तेरे को घर ही छोड़ दूंगा मैं, तू टेंशन मत ले। फिर आगे रास्ते पे कट लेने जा रहे थे तो बाइक गिर गई। मतलब कट किस तरफ लेके जा रहे थे? खाड़ी के साइड, मतलब खाड़ी की तरफ एकांत में लेके जा रहे थे, सुनसान जगह पे। हाँ वहाँ से लेके जा रहे थे तो कट लेने गए तो गिर गए। गिरे तो मैं उठी, फिर मैं अपना चलने लगी। तो मैंने मेरे भाई को फ़ोन की डर के मारे और उसको मैं बोलने लगी कि फ़ोन कटने करना क्या है, फ़ोन चालू रखो।
तो वो मेरे को बुला रहा था, बोला आ तेरे को छोड़ देता हूँ करके, तू मेरी बहन जैसी ऐसा वैसा करके बहुत बुला रहा था। तो मैंने उसको चिल्लाई विल्लाई तो देखा गया फ़ोन चालू हो, तो वो डर के भाग गया भागा। फिर वहाँ से मेरा भाई आया मेरे को लेने के लिए, फिर मेरे खालू को सबको बताया, फिर हम लोग पुलिस चौकी गए थे। उसके पहले मेडिकल पे गए, वहाँ पे पुलिस को बुलाया, फिर वहाँ से चौकी पे गए थे। आपने FIR दर्ज कराया? कराई थी। अच्छा। उसके बाद मेरे को पुलिस अंकल ने बोले थे कि मंडे के दिन जाना है 21 तारीख को। तो मैंने उनको सुबह में फ़ोन की, क्या अंकल आज आने की है ना, आज डेट है। तो मेरे को बोलने लगे कि नहीं मेरे को नहीं मालूम है, मैं तुमको फ़ोन करके बताता हूँ अभी थोड़े टाइम से। तो कुछ 9:45 के बाद कॉल बैक किए, मेरे को बोले क्या मेरे को भी डेट नहीं मालूम है, मैं ना तुमको शाम तक के बताता हूँ। मैंने तुम्हारे भाई को बुलाया था, तुम्हारा भाई आया नहीं, तो मैं बोले वो काम में था इस वजह से नहीं आया। तो बोले ठीक है उसको शाम में भेजो, तुम भी साथ में आओ 10 मिनट के लिए। मतलब उसको कहने का मतलब तुम्हारा ये है कि उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया पुलिस? नहीं किए। मैं गई शाम में तो पहले तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, अंदर फुकट बैठे, तो उसके बाद मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे वो। तो मैंने दूसरी मैम से पूछी तो वो बोले वो अंदर साइड है। तो मैं डायरेक्ट वहीं पे कैबिन में गई, तो बैठ के केले वेले खा रहे थे फुकट बैठे थे। दूसरा जो मैटर चल रहा था हस्बैंड वाइफ का, उसके मज़े ले रहे थे लोग। तो उसके बाद मेरे को पूछने लगा कि किस किस को पता है मैटर, पुलिस वाले अंकल मेरे से पूछने लगे। तो मैंने मेरे खानदान को पता है, तो बोले दूसरा वो जो था वो आदमी कौन था, मैंने वो मेरे मामू है। तो बस उसका पूरा नाम पूछने लगे, उनका उनका नंबर लिए, उनका एड्रेस लिए, वो क्या काम करते हैं, उनके घर में कौन कौन है, उनकी बीवी का नाम, ये सब मतलब फजूल सी बातें पूछने लगे। तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन की क्या क्यों आज जाने का था ना, तो वो मेरे को बोलने लगे क्या नहीं आज नहीं जाने का था करके, उसको बेल मिल गई मतलब जमानत मिल गई करके। तो मेरे अरेस्ट हुआ था क्या, वो पकड़ा गया, तो बोलते ना पकड़ाने गया था, तो मेरी फिर बेल कैसे मिली उसको? तो बोलते अभी तुमको कैसे बताओ, मुझे कैसे बताओ क्या मतलब है, मेरे को कुछ जानना है ना। तो मेरे को बोलने लगे कि वो वकील गया था उसका, और उसको उसके उस पर जमानत मिल गई, वकील ने जाके उसको बोला, वो नहीं गया था कोर्ट में। चलो उसको जमानत मिल गई, आप अभी इस मामले में क्या चाह रही हो, मतलब क्या कार्रवाई चाह रही हो? मेरे को उसको भी सजा दिलवानी है और मेरे को पुलिस वालों के खिलाफ भी कुछ करना है। मतलब इसमें आपको शक है कि पुलिस वालों ने जो है लापरवाही बरती है और पैसा खाया, पैसा खा के मेरे केस को दबाने की कोशिश की है।